आज का खास मेरा हेल्दी न्यूट्रिशियस चाय ड्रिंक आप देख सकते हैं, जिसमें मैं जैगरी पाउडर डाल रही हूँ। अपनी चाय में मैंने मीठा नहीं यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे जैगरी पाउडर यूज़ किया है और हेल्दी चाय मैं पीने वाली हूँ। आप देख सकते हैं आगे। कम बैक, और मैं पी रही हूँ यहाँ पर शक्कर वाली चाय, काफ़ी दिनों बाद अपने हाथ की। तो इंजॉय करते चाय, और आप भी ज़रूर पीना। और मीठे का शौकीन है तो कोई बात नहीं, शक्कर पी लेना, शक्कर वाली चाय पी लेना, डेफिनेटली मीठे की कुछ ना कुछ क्रेविंग ज़रूर दूर होगी आपकी। तो वेलकम बैक, और यहाँ पे अंजलि आ गई है मेरे रूम में। तो मैंने सोचा कि वॉक पे जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि आज की जो भी लाइव स्ट्रीमिंग की लकी रैंडमली जो मैंने पिकआउट किया वो है अंजलि शर्मा। उम्मीद करती हूँ अंजलि आप आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर। अंजलि कुछ कहना चाहोगे आप? थैंक यू सो मच मैम। लाइक आपकी वीडियोज आर मतलब अमेजिंग होती है, हमें थैंक यू, बहुत अच्छे से समझ आता है सब कुछ। थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस यू। और ये है अंजलि के लिए वो सरप्राइज गिफ्ट, अब मैं चाहूँगी कि अंजलि अपने रूम में खोले। और उम्मीद करती हूँ कि हम सभी के लिए कोलैबोरेटिवली कर रहे हैं, तो किसी भी तरह की किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं है। मुझे आपको सफाई देने की जरूरत है, ये मेरा एक प्यार है, एक ब्लेसिंग है अपने व्यूअर के लिए। वो पहले मैंने सोचा कि स्टूडेंट से शुरुआत कर दी, दूर वालों के पास मैं पहुंच नहीं सकती, लेकिन एक बहुत जल्दी जो कुछ खास वाले होंगे ना, जो बहुत टाइम से हमारे साथ है, उनके लिए भी मैंने एक जगह पार्टी अरेंज करनी है। तो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, और अंजलि प्लीज ये दिखा दो सभी को। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगली टर्न आपकी हो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। आ गई हूँ मैं अपने वॉकिंग एरिया पे। जैसे कि आपने देख ही लिया मेरे यहाँ का इन्वायरमेंट कितना इको फ्रेंडली है, जिसे देखकर आपका भी मन खुश हो जाएगा। तो जरा प्लीज एक बार व्यू दिखा दो साइड से, देखो कितना इको फ्रेंडली और कितना अच्छा और नेचुरल सनसेट यहाँ पे हो रहा है। ब्यूटीफुल अमेजिंग ऑफ अवर कॉलेज, और बस थैंक यू सो मच गॉड का और हमारे कॉलेज वालों का, मैनेजमेंट का, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस कॉलेज को मैनेज किया हुआ है। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है जो बच्चों के लिए स्टडी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। बच्चों को बहुत अच्छे से यहाँ पढ़ना चाहिए। बहुत से बच्चे यहाँ पर वॉक करके अपनी बहुत से माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। भाई अब ये तो बच्चों के हाथ में है, सभी के हाथ में है कि फ़ोन के साथ चिपकना है कि वॉक करनी है, ये चॉइस सारी हमारी है। बट मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पर ही आपके साथ आज अपने छोटे दिन की वीडियो शेयर करूँ। तो अब बैठ गई हूँ, जानते हैं आपके मुझे क्या करना है। सबसे पहले क्या चीज़ करूँगी, लॉन्ग ब्रीथ लेना, वही स्टेप नंबर टू, नहीं मतलब स्टेप वन, मतलब स्टेप सेम वही वाले प्रोसीजर्स को हम परफॉर्म करेंगे जो कि मैं करती हूँ स्टेप वन में, कि पहले इनहेल करना, एक्सहेल करना। तो चलो फटाफट मैं इनहेल एक्सहेल कर लेती हूँ, फिर आपके साथ बाकी के स्टेप शेयर करती हूँ। हमारी यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है, तो फ्रेश एयर ठंडी हवा मेरे लंग्स में जा रही है। जैसे जैसे एयर मेरे लंग्स में जा रही है, माइंड रिलैक्स हो रहा है और लंग्स में भी फ्रेश एयर जा रही है, क्योंकि ग्रीन कलर में विजडम भी मिलती है, माइंड भी फ्रेश हो रहा है। अब ये स्टेप्स करने के बाद थोड़ी सी दो तीन ब्रीथ मैंने ले ली है, तो अब वही वाला सेम प्रोसेस जैसे कि मैंने कहा था, एक नोस्ट्रिल से एयर लेनी और छोड़नी है, ठीक है। जैसे कि इसके बाद मैं करूंगी थोड़ा सा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कपाल भाती। शायद मैं कल वाले स्टेप में नहीं बता पाई हूँ, तो आप प्लीज इसे कर लेना। कपाल भाती अब मैं करूंगी। जैसे कि अगर आप नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, फटाफट भी कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल पर्सन है आप स्पीड अप में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बीपी की, दिल की या डायबिटीज की कोई प्रॉब्लम है तो नॉर्मल स्पीड में कीजिए। तो मैं यहाँ पे नेचुरली मैं कर सकती हूँ अपनी स्पीड, वैसे कर रही हूँ। जैसे कि
ध्यान रखिए ये चीजें नहीं हिलनी चाहिए, ना गर्दन, बिल्कुल आपका पेट ही मूव होना चाहिए ताकि पेट के मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़े, इसलिए हम कपाल भाती करते हैं। ये थोड़ा प्रोसेस स्लो हो सकता है कई लोगों के लिए जिनका बहुत ज्यादा मोटापा है, बट ये बहुत इफेक्टिव होता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत बेस्ट है ये, ठीक है। टेक्निक जो मैंने आपको बतानी है, ओम वाली टेक्निक, ये बहुत ही मेडिटेटिव स्टेज वाली टेक्निक है, जिसको आप करेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार सच में मैं कनेक्ट हूं। प्लीज मेरे साथ इसे जरूर ट्राई कीजिए। बच्चे मेरे करीब आ जाओ, ऐसे अपने हाथों को रख लेना अपनी आंखों पे और ये वाले अपनी आईब्रोज के ऊपर, और कान बंद कर लेने ऐसे तरीके से। अब हम आपकी मर्जी, आप ओम भी बोल सकते हैं, कोई मंत्र चैन कर सकते हैं, मैं ओम को ही चैन करना पसंद करती हूँ क्योंकि ओम एक यूनिवर्सल ध्वनि है एंड इट्स अ साइंटिफिक मंत्र। चाहूंगी कि मैं आपको अपना ब्रेकफास्ट और मैंने शाम की चाय कैसे पी है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी जरूर। आज की वीडियो में नया ये है आपके साथ, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस आप देख सकते हैं, मेरी आंखों से आपको पता चल रहा होगा कि नेचुरली मैं थोड़ी देर पहले कैसी थी और इस मेडिटेशन को करने के टाइम पे मैं कैसे हूँ, रिलैक्स हूँ, मन शांत है। ये चीज आपको रिफ्लेक्ट कर रही है मेरे बॉडी फिक, मेरे बॉडी इमेज से, मेरी बॉडी के जेस्चर से आपको पता चल रहा है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन आपको ये चीज दिखा रहे हैं। अब मैंने कहा था कि हमें अपनी ही एनर्जी के साथ साथ अब मैं फील करूंगी यहाँ जो भी आवाजें मुझे आ रही, हो सकता है बस की आ रही है, थोड़े सन्नाटे की आ रही है, शाम के टाइम करी पक्षियों की आ रही है, मोर की आ रही है, आप भी सुनिए और हम इसे फील करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं इनहेल कर रही हूँ क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, तो मैं नोज के थ्रू इनहेल कर रही हूँ, मुंह के थ्रू नहीं। और वैसे भी हमें नोज के थ्रू ही इंस्पायर करना चाहिए क्योंकि हमारे नोज जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है, माउथ के थ्रू हम बहुत से डस्ट पार्टिकल्स को अंदर ले जाते हैं लेकिन नोज में नोस्ट्रिल्स हेयर, हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। इसलिए आपको नाक से ही इनहेल करना चाहिए, नाक से ही सांस अंदर लेनी चाहिए ताकि जितनी भी एयर है वो प्यूरिफाई होकर आपके लंग्स तक जाए, ठीक है। जब मैं इन चीजों को ऑब्जर्व करी तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा ना हर चीज को फील कर पा रही हूँ। दिस इज द आप कह सकते हैं फाइव सेंसेस मेडिटेशन, जिसमें हम हर चीज को फील कर रहे हैं, अपने आसपास की होने वाली सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना इज अ सेंसेस मेडिटेशन। बहुत ज्यादा कारगर है ये, जिसमें आप बहुत ज्यादा, अभी आपके सामने पता है 1 घंटे का लाइव करके आई हूँ, बिल्कुल भी मुझे रेस्ट नहीं मिला है, लेकिन ये मेडिटेशन, ये आधे घंटे का रूटीन, ये आधे घंटे की ऐसी टेक्निक, जैसे कि आपने सुना है पावर ऑफ हैबिट, एक बहुत अच्छी बुक आई, अगर आप एक बुक रीडर है, मुझे भी बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, मैंने भी इस बुक को जो अपनी इसकी ऑडियो लाइब्रेरी को डाउनलोड किया हुआ है, तो आप इस बुक में पावर ऑफ हैबिट जान सकते हैं। जब हम कोई हैबिट डाल लेते हैं ना तो हमारी लाइफ को चेंज कर देती है, हमारी लाइफ से बहुत सी बीमारियों को दूर कर देती है। तो ये जो शाम वाली जो सैर है और ये शाम वाला जो भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ ना, मेरा जितना भी पूरे दिन में 8:30 से लेके पूरे 7-8 बजे तक जितना भी मैंने काम किया होता है ना, सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है और माइंड बिल्कुल फ्रेश आइडिया से भर जाता है, इसीलिए मैं आपके साथ नए नए कॉन्टेंट शेयर कर पाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसी पॉजिटिविटी को अपने अंदर लेके जाऊंगी, जैसे कि हीट एनर्जी रेडिएट हो रही है और अब मैं इसे अपने फेस पे टैप करूंगी। आप थोड़ा पास आ जाओ,
मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी हम अपने फेस पे कुछ इस तरह से फेस पे टैपिंग करते हैं, ये एक स्टेप फेस योगा का भी है, और हमारी जितनी भी फेस की जितनी भी जो नर्व्स होती है, अगर उनमें कोई ब्लॉकेज आ गई है तो वो जो नर्व्स होती है ना वो ओपन हो जाती है, और हीट की वजह से जब आप मसाज करो, मसाज कभी भी ऐसे नहीं करनी है, मसाज आपको ऐसे करनी है हमेशा, अगर आप मुंह भी धोते हैं ना तो हमेशा मुंह भी ऐसे धोइए, ठीक है। तो ये थे कुछ ऐसे स्टेप्स, मुझे विश्वास है आप जरूर ट्राई करेंगे। अब दौड़ लगाने का टाइम हो गया, चलो फटाफट दौड़ते हैं और फिर वीडियो को एंड करें। वॉक के स्टेप्स जो मैंने बताए थे, और इसके बाद मैंने सोचा कि कुछ रनिंग करूँगी, और प्लीज़ मुझे बताते जाना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और आपकी क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो रही है। अगर आप भी इस जर्नी में हैं तो मेरे साथ जरूर शेयर करना। अब रनिंग करके चलती हूँ रूम में, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर एंड कॉमेंट। बाय बाय।